नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7। खबर लखनऊ से, जहां बचपन में था डांस का शौक, माँ बाप ने बढ़ाया हौसला। कहते हैं आप अगर छोटे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके सपने भी छोटे हों। छोटी उम्र में भी अगर जज्बा है तो आप सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन सफल होकर दुनिया को अपने हुनर का दमखम दिखाते हैं। हम आपको एक ऐसे युवा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज इसकी काबिलियत पर बड़े बड़े कलाकार भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के कैसर बाग में रहने वाले अभय के बारे में, जो एक सफल डांसर क्लास लोगों के घर जाकर चलाते हैं। साथ ही इन्होंने बड़े बड़े टीवी शो में भी काम किया है, टीवी शो में और प्राइवेट संस्था द्वारा अभय को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि अभय कैसरबाग के रहने वाले हैं, जो नवाबों के शहर लखनऊ में पड़ता है। बचपन से अभय को डांस के प्रति काफ़ी लगाव रहा। सामान्य घरों की तरह इनके भी सपने को भी समझने में काफ़ी देरी कर दी। शुरुआती दिनों में सबने डांस के फील्ड में जाने से इन्हें रोका, लेकिन इन्होंने अपने मन की बात सुनते हुए अपनी लगन को बनाए रखा और मेहनत करते गए। अभय के पिता घर के पास ही चाय का होटल चलाते हैं, जहां अभय अपने पिता का हाथ भी बटाते हैं। देखिए लखनऊ से हिमांशु गर्ग की खास रिपोर्ट। इलाके में रहता हूं, मेरी कैसरबाग में चाय की दुकान है और मैं प्रोफेशनल डांसर हूं। मुझे डांस का बचपन से ही शौक़ था और इसी दुकान से मेरी पूरी फैमिली ने मुझे डांस के लिए फुल्ली सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहनें हैं और मेरा भांजा है, हम लोग सब पूरी फैमिली मुझे डांस के लिए सपोर्ट करती हैं। और मैं डांस से मुझे बचपन का शौक़ था और मैं बहुत पहले से डांस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी किए हैं, जैसे मैं जी टी वी इंडियाज़ बेस्ट ड्रामा बाज़ में टॉप 16 कंटेस्टेंट रहा हूँ। DID लिटिल मास्टर सीजन 3 में भी मैं टॉप 16 कंटेस्टेंट रहा हूँ और बोगी बोगी में स्टूडियो राउंड तक रहा हूँ। अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी हमारे कोविड की वजह से हमारा सारा मतलब डांस शोज सब बैन हो गया है और होम ट्यूशन जो सिखाने जाते थे वो भी नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी हम लोग घर पर ही हैं। तो इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं? जी नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन अभी बच्चों के थोड़ा सा इश्यूज थे, पेपर के भी इश्यूज थे, अब थोड़ा कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी। तो आपकी जो चाय की कैंटीन है उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या? जी, अभी मैंने मतलब इंटर पास किया है और ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करूँगा।